यामा के शोरूम आया हूँ और यहाँ मुझे मेरी पुरानी बाइक है 2016 मॉडल फेजर, तो इसको कन्वर्ट करवाना है FZ में। इसका ऑलमोस्ट पूरा आगे वाला पार्ट चेंज होगा, पीछे तो FZ सेम ही आती है, फेजर और FZ जो कि वर्जन 2 है 2016-17 मॉडल। तो अभी आगे वाला पार्ट निकाल रहे हैं और इन्होंने मुझे टोटल कॉस्ट बताई है अप्रोक्स 10,000 रुपये। तो उसमें मतलब मैंने चेन सेट वगैरह भी चेंज करवाना है, तो हेडलाइट वगैरह पूरी चेंज होगी इसकी, क्योंकि इसमें है 2 हेडलाइट और FZ में होती है सिंगल हेडलाइट। इस बाइक को मैंने ऑलमोस्ट 4 साल चला लिया, तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा लुक में चेंज करते हैं। जब मैंने परचेज़ की थी तभी इन्होंने बोला था कि आप इसको इन फ्यूचर आप FZ में कन्वर्ट करवा सकते हो। दोनों का स्पीडोमीटर सेम ही आता है, इसलिए स्पीडोमीटर वही है, वरना स्पीडोमीटर के 4,000 रुपये अलग से लगते हैं। हेडलाइट का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, हेडलाइट लग चुकी है और अब इसके जो साइड के पैनल हैं वो लगवाए हैं। पहले तो मेरा था कि ब्लैक पैनल लगवाऊँ, लेकिन लाइट ग्रीन लगवाए जो इसके कलर में भी मैच हो रहे हैं काफ़ी अच्छे, और ऑलमोस्ट काम हो चुका है इसका। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको FZ अच्छी लगी या फेजर। मुझे तो दोनों ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने फेजर चला ली 4-5 साल, अब इसको FZ बनवा लिया। 2016 में मुझे ये 1 लाख की पड़ी थी और अभी ये आ रही है 1,50,000 की, 50,000 प्राइस बढ़ गया।